अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बेसन की रोटी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन, साथ ही इसमें जाएगा 1 कप गंदम का आटा। दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, या अगर आप चाहें तो 1.5 कप आटे में 1/2 कप बेसन डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक हसबे जायका, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया को मैं अच्छे से क्रश करके इसमें डालूँगी। 2 इसमें जाएंगी कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसमें जाएगा 1/2 कप हरा धनिया। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑयल। और अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। पानी डालकर मैं इसको अच्छे से गूंद दूंगी। नरम डो बनाना है इसका। डो गूंद देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं इस ऑयल को अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। पंद्रह से 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और अब मैं इस डो को दोबारा से थोड़ा सा गूंदूँगी ताकि ये स्मूद हो जाए। और अब यहाँ पे मैं इसमें से बना रही हूँ पेड़े। ये पेड़े सिंपली बनेंगे जैसे हम रोटी के बनाते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में खुश्का लिया हुआ है और अब मैं इसको अच्छे से बेल दूंगी। और इस क्वांटिटी से सिर्फ 4 रोटियाँ बनके तैयार होती हैं। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप फिर इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब में। रोटी बेल देने के बाद यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया था 1 टेबलस्पून ऑयल और अब मैं इसमें रख रही हूँ ये रोटी। दो से 3 मिनट बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और साइड चेंज करने के बाद मैंने इसमें फिर से कोई ऑयल नहीं डाला। ये जो इसमें ऑलरेडी किनारों पे पड़ा हुआ था मैं उसी को ही रीयूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बेसन की रोटी बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर तो लाजमी बनता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।